हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु वर्मा, आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, और इसमें 11 अप्रैल 2016 में जो फर्स्ट सेट में जो एग्जाम होता है इसमें जीएसएल रिलेटेड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, दुर्लभ गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो ये ऑर्गन गैस है जो कि अक्रिय गैस है ऑर्गन, और ऑर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। जो बल्ब में गैस भरी जाती है वो ऑर्गन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेंसरी शिक्षा की मूल अवधारणा है, तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं की खोज, मतलब सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो इसकी अवधारणा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 के लिए हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो कैलाश सत्यार्थी को हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है आप जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार या फिर जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुरस्कार या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी पुरस्कार हो, तो आप यदि आपने सारे पुरस्कार याद कर लिए तो आपका 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है, तो एग्जाम में 1-2 नंबर काफ़ी मायने रखता है, तो पुरस्कार भी अच्छे से याद कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना राज्य में है। यदि आंध्र प्रदेश भी होता ऑप्शन में तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों टिक करने पड़ते हैं, यदि तेलंगाना तो तेलंगाना ही आपको आंसर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो सबसे पुराना है। कभी कभी यही पूछता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय, तो ये 25 उच्च न्यायालय जो वर्तमान में, और अनुच्छेद 214 जो उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी मतलब कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है यदि उसे लगता है कि वृद्धि करनी चाहिए न्यायाधीशों की, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और जो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में होती पावर, इनको इनको कैसे हैंडल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के लिए पहली, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, चलिए ये इसका क्वेश्चन ये था, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये थी मीरा साई फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और उच्च न्यायालय, यदि ये भी क्वेश्चन पूछता दूसरे तरीके से है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये थी लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश से थी, ये उच्च न्यायालय के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और अरब सागर में बहती है। एग्जाम में भी पूछता है कभी कभी कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, तो ये अरब सागर में बहती है। और इसके साथ ही ताप्ती नदी, ये भी जो कि समांतर नदी है अमर को उसकी नर्मदा की, ताप्ती नदी जो कि ये भी कहाँ पर, ये अरब सागर में बहती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों, ये दोनों नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ी है। कभी एग्जाम में ये पूछता है कि सतपुड़ा पहाड़ी वो ऐसी कौन सी नदियाँ हैं, ऐसी कौन सी दो नदियाँ जिनके बीच सतपुड़ा पहाड़ी है, तो नर्मदा और ताप्ती जिन दोनों के बीच है सतपुड़ा पहाड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गैसोलीन रन कार इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये कार्ल बेंस के द्वारा विकसित किया गया था गैसोलीन कार रन इंजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2015 में यूरोप के किस देश में आयोजित किया गया, तो ये तुर्की में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी श्रीमावे भंडार नायके, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इकोटोन का क्या अर्थ है, तो ये ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र या परिसीमा जिसमें दो या अधिक परतंत्रों का संगम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की, तो ये किसके साथ की, पॉल एलन के साथ की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने नक्षत्रों का नाम रखा गया है, तो 88 ऐसे सितारों का नाम नक्षत्र के लिए रखा गया है जिसमें वे रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो केसर हिंद की उपाधि जो गांधी जी को दी गई थी। और चलिए अब कुछ आंदोलन भी पढ़ते हैं, क्योंकि गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन शुरू किए, जैसे कि ऐसे आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसकी डेट याद कर लेना, एज इट इज डेट पूछता है एग्जाम में। तो गांधी जी ने ऐसे आंदोलन कब शुरू किया, 1 अगस्त 1920 में। और एक दूसरा भी है, वो है भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये भी गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया। इन दोनों की डेट याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ की दिशा की में इशारा करते हैं, तो सूरज से दूर, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, यानी कि पूंछ पश्चिम की ओर, इसलिए धूमकेतु कभी भी पश्चिम दिशा की ओर संकेत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है, तो इंडिया।
जो कि आयोजन करेगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।